ये हमारा बेसन और शिमला मिर्च की सब्जी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च और बेसन की सूखी सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून, देख सकते हैं 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं ली हूँ क्यूमिन सीड, 1/2 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन सीड, 2 पिंच हींग। मैं इन सभी को डाल दूँगी। अब मैं इसे थोड़ी से पका लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी ऑनियन, 1/2 ऑनियन मैंने चॉप करके ले लिया है। यहाँ पे 2-3 कलियाँ लहसुन की यहाँ पे मैं क्रस करके ले ली हूँ। मैं इन सभी को इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसे कलर चेंज होने तक थोड़े से पका लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया। डालूँगी स्पाइसेस, इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर डाला 1 टीस्पून एंड 1/2 टी स्पून और डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून एंड रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून। आप ज़्यादा अगर तीखा पसंद करते हैं तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। और मैं इसमें ऑनियन और गार्लिक दोनों ऐड कर दी हूँ। अगर आप ऐड करना नहीं चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इस सब्ज़ी का टेस्ट जो है गार्लिक और ऑनियन ऐड कर देने से और भी एनहांस हो जाता है और मुझे अच्छे भी लगते हैं। सभी मसालों को मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 2 शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश करके डाइस में कट कर ली हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और मैं इसे बिना ढके 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी। चलिए तब तक बेसन को मैं रोस्ट कर लेती हूँ। फिर मैं 2 बड़े चम्मच बेसन ले ली हूँ। मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इसे 2-3 मिनट तक मैं भूनूँगी तो ये रेडी हो जाएगा सब्ज़ी में डालने के लिए। मैं इसे अब कलर चेंज होने तक भून लेती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेसन भून के रेडी हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शिमला मिर्च को पकते हुए ऑलमोस्ट 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी रोस्ट किया हुआ बेसन। तो चलिए इसमें बेसन ऐड करती हूँ। तो मैं इसमें बेसन ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तब तक भूनूँगी जब तक शिमला मिर्च के ऊपर एक बेसन का अच्छा सा लेयर ना आ जाए। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 मिनट्स भून लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, तो इस पे एक अच्छा सा बेसन का लेयर आ जाएगा। अब मैं इसमें थोड़े से गरम मसाला डाल दी हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है शिमला मिर्च में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सब्जी रेडी है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करूँगी। इसे आप चपाती पूरी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ। चलिए मैं सर्व कर लेती हूँ। अगर ये रेसिपी हमारा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखिए मैं सर्व कर ली हूँ। अब मैं इसे थोड़े से कोरिएंडर लीफ के साथ गार्निश कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।